नहीं नहीं किसमें डाउट है पहला क्वेश्चन बताओ। एक आज जो दो भी है फिफ्थ। फॉर द फंक्शन, अच्छा आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन में 99 प्लस 10 10 10 किया हुआ है आपने, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 2 सॉरी 4 क्या करने को बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ दैट एफ डैच 1 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 100 टाइम्स ऑफ एफ डैच 0। ठीक है, मतलब कम से कम आपको डिफरेंशिएशन तो निकालना है। अच्छा अब इसको अपन बेसिक प्रिंसिपल से नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े नंबर्स को हम उससे नहीं करते, सीधे सीधे डायरेक्ट जो हमारी हमारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज हमारी है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ इसका, डी बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डेच एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स की पावर 99 बाय 100 प्लस 99 एक्स की पावर 98 अपॉन कितना 99, ऐसे करते करते कितना होगा 2x अपॉन में 2 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कोई समस्या, अब इससे निकालो कितना एफ डैच 1, क्या निकालो एफ डैच 1 है ना, एफ डैच 1 मतलब x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है 1, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस, हाँ ये 100 काट भी दो पर मैं देख रहा हूँ कुछ और कुछ बच तो नहीं रहा, हाँ ये सब 1 हो जाएंगे, 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया, आएगी बात समझ में, मतलब क्या बचेगा जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 जैसे जैसे करते करते सारे 1 बचेंगे। ठीक है, अब एफ डैच 0 निकालो, एफ डैच 0, एफ डैच 0 मतलब क्या बताता है, x की जगह क्या पुट करोगे आप 0 पुट करोगे। ठीक है, हाँ सही है, तो ये नंबर कितने हैं बेटा, देखो यहाँ से ये 1 प्लस 1 प्लस 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये सारे 100 हो जाएंगे क्योंकि ये एक 1 ये और यहाँ से 1 और 99 और एक कितने 100 बन जाएंगे, तो इसका आंसर तो कितना आ गया आपका 100, नहीं ये एफ डैच 1 का आंसर आया कितना 100, नहीं आया समझ में, और एफ डैच 0 का आंसर एक्स 0 पुट करो। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 0 कहाँ से, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 बट ये 1 तो बचेगा ना, ठीक है तो कितना आएगा एफ डैच 0 का आंसर आएगा कितना 1। ठीक है, बस ये इक्वेशन वेरीफाई तो हो गई, एफ डैच 1 का आंसर कितना 100, इसका आंसर कितना है, मतलब 100 तो खुद से दिया आरएचएस इंटू कितना 1, तो 100 इंटू 1 100, एलएचएस बराबर क्या आ रहा है आरएचएस। ठीक है, दूसरा जीरो दो चलो
नंबर तो बोला कौन सा नहीं आया था। सिक्स, अरे इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन करना है आपको। बता देता हूँ मैं फिर भी, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स की पावर एन प्लस, आगे आपका सिक्स वाले का पूरी एक्सरसाइज हो गई क्या, ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तेरा भी नहीं आया, प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर कितना एन माइनस टू प्लस दस दस दस, ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस ए की पावर एन, ठीक है। ए यहाँ पर रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर, दुनिया के सारे नंबर रियल ही होते हैं इमेजिनरी को छोड़ के। एफ डैश एक्स क्या है आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड डेरिवेटिव। तो इसका क्या है, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए कॉमन, इसका आंसर क्या होगा, एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर तो ऐसा ही है, एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस वन, और ऐसे करते करते एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये तो वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ज़ीरो। यही आंसर दिया होगा, और क्या दिया होगा इसमें, कि सीरीज बनाइए कुछ, एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, क्या आंसर दिया देखो इसका, ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस जस 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 ए की पावर एन माइनस वन, और ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आंसर्स नहीं है क्या, अच्छा सेम बन रही है, कोई आ तो नहीं रहा इसमें उल्टा सीधा कोई नंबर। दूसरा एट वाला क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सम डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन माइनस ए टू दी पावर, इसमें डिवाइड फॉर्मूला लगेगा, लगा लोगे, और कौन सा बचा, लगाओ अभी ये कर लो बच्चे हो गए सारे, और क्या डाउट है, बाकी तो बच्चे होंगे अभी किए नहीं होंगे, कैलकुलेशंस हैं, मतलब कैलकुलेशन नहीं करते आएगा तो क्या करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ कुछ कुछ, तो एट कर लो, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी, क्या फॉर्मूला था, v एज इट इज d बाई, इसको u डैच लिख देता हूँ, u डैच माइनस u v डैच अपॉन में v का स्क्वायर, डैश मतलब वही होता है डिफरेंशिएशन, तो लगा दो नीचे तो हो जाएगा कितना, x माइनस a का होल स्क्वायर, ये आपका होगा कितना, v, v कितना है, ये u है ये v है, तो v एज इट इज x माइनस a एज इट इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और a की पावर n का तो ज़ीरो, माइनस यू एज इट इज, यू नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, और नीचे वाले का एक्स का कितना होता है, वन हो गया, तो इनटू में क्या लिखा सीधे, वन,
अब थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। अब n तो ठीक है, बेस सेम है x वाले का, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस वन होगा, माइनस n इंटू a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये होगा। इतना समझ में आता है? बेस सेम है तो पावर हमने क्या कर ली, x वाली प्लस कर ली ना, माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये और ये तो क्या हो गया, वन और वन तो कैंसिल हो गया, वन और वन को कैंसिल कर दें हम, ठीक है। और x की पावर n कॉमन ले लो, x की पावर n कॉमन ले लो, आंसर क्या यही दिया है क्या? माइनस का सर जो ये माइनस का a n है वो बाहर का, माइनस माइनस प्लस करना है ना, बस इतना ही आंसर निकल रहा है। पीछे भी यही दिया है क्या? सही है सर। ठीक है, और देखो फटाफट करके देख लो ये वाला, सिक्स नाइन्थ वाले सारे छः के छः करके देख लो, नहीं आते तो पूछो। समझ गए ना? जैसे अगर ये दिया x की पावर माइनस थ्री, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर की पावर माइनस थ्री, थर्ड वाला, थर्ड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर नाइन का थर्ड दिया है, तो क्या दिया x की पावर माइनस थ्री और फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स, फाइव एक्स प्लस नहीं फाइव प्लस थ्री एक्स, फाइव प्लस थ्री एक्स। तो अगर आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हो, प्रोडक्ट रूल लगाने पे अननेसेसरी क्या है, इसको बिठाओगे, इसको रखोगे, इसको करोगे, फिर इसको बिठाओगे, इस तरीके से भी करोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, तब कुछ भी नहीं। फाइव एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस थ्री, इसका इसमें करोगे तो एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी। अब इसका डिफरेंस यूज करो, कर लो, और क्या, पाँच इंटू माइनस थ्री की पावर माइनस चार और माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस तीन, तो माइनस का पंद्रह एक्स की पावर माइनस चार, माइनस का छः एक्स की पावर माइनस तीन, ठीक है। माइनस थ्री कॉमन लिया तो पांच एक्स की पावर माइनस चार प्लस दो एक्स की पावर माइनस तीन बचा, और एक्स की पावर चार कॉमन ले रहा है, क्या वो क्या ले रहा है, क्या दिया है x की पावर, यहाँ तक भी आ गया, ठीक है। अब देखो आ तो रहा है वो एक स्टेप, माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस थ्री, और ये माइनस एक स्टेप दे तो रखी, अब जो दे रही इसने माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री दी, एक्स की पावर माइनस थ्री है ये दोनों में, ये भी कॉमन ले लो ना, तो ये भी आ जाएगा, तो कितना बचेगा, पाँच एक्स की पावर माइनस वन प्लस दो आया बस। मैं तो भाई इसको भी करेक्ट मानूंगा, तुम मतलब उसमें दिया है तो उसका करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री और फाइव बाई एक्स प्लस टू, ऐसा दिया कुछ माइनस टू एक्स, हाँ तो एलसीएम ले लिया, टू एक्स, हाँ वो एक ही बात है, वो एक्स की पावर फोर कर दिया, फिर एलसीएम लेके यार सब ये भी बहुत कमाल करते हैं मैथ्स के हिसाब से, देखो ऐसे स्टूडेंट तुमको सब करता है ना चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये कर लूंगी और ये कर दूंगी, बिकॉज नाउ यू आर मैथ्स स्टूडेंट, ये मुझे इजी लगा, मेरे मन को भाया तो मैंने यहाँ तक कर दिया, मैं तो यहीं तक ही करूंगी, मुझे तो ये और इजी लगा, क्योंकि आपसे और कोई बच्चा है जो अच्छा कर रहा है तो आपसे वो ज्यादा ही नंबर लाएगा फिर अगर टीचर उसको देखे, तो इसको एक स्टेप और अगर बढ़ाते हो तो क्या होता है, माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री और एलसीएम लेते हो तो फाइव प्लस टू एक्स अपॉन में एक्स, और ये एक्स भी ऊपर पहुंचता है तो थ्री एक्स की पावर माइनस फोर फाइव प्लस टू एक्स हो जाता है, तो ये एग्जैक्टली बुक ने ये दिया हुआ है। और मैं इसको क्या यहाँ डायरेक्टली एक्स की पावर माइनस फोर कॉमन लेके और ये कर सकता था, ठीक है। तो आज को यही खत्म करते हैं।
आप ये बचे हुए क्वेश्चन कर लाना, मुझे लगता है ये 9th का 6th क्वेश्चन और ये सब हो जाए जीएम लेके कर दो या पहले डिवाइड फॉर्मूला लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या सही रहता है। यस सर।